वेलकम ऑन मी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास कुर्ते का आगे का पीस है और इसमें हमें कट वर्क गला कैसे बनाना है तो वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ये हमारे पास 8 इंच 7.5 हमें गला तैयार रखना है तो हमें 8 इंच का चाहिए। तो ये हमारे पास 8 इंच का गला है और इसमें ये कट दिए हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। सिंपल गला आसानी से बन जाता है लेकिन कट वर्क में हमें किस तरीके से उसको लेकर चलना होता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, एक सेंटर में हम यहाँ पर इस तरह पूरा मिलाकर रखेंगे और एक सेंटर में यहाँ निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें भी देखिए हल्का सा निशान दिख रहा है, ये सेंटर में हमने लगाया हुआ है। इसमें भी इसी को हम डार्क कर देते हैं, ये निशान सेंटर का है। और ये देखिए 8 इंच हमें चाहिए। ये देखिए पूरा इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा पूरा 8 इंच का है। अब देखिए सेंटर का निशान लगाया हुआ है और इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके लिए हमें चाहिए फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें इसको चारों तरफ से इस तरह फोल्ड करके रखना है। ये देखिए तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए अब हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसके चारों तरफ से कटिंग करनी है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इसमें रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान के साथ और इस तरह बिल्कुल सी शेप में हमें इस कटिंग करनी है। कपड़े को उसी तरीके से घुमाते जाइए जहाँ पर आपके कट जिस शेप में है, और थोड़ा कपड़ा आगे की तरफ रख के हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने इसके चारों तरफ इस तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए अब देखिए सेंटर मार्क इसमें हमने लगाया था और इसमें भी हमने जो है सेंटर मार्क लगाया था। ये देखिए इसमें भी हमने लगाया था ये। अब देखिए हमें गले की चौड़ाई 5 इंच की रखनी है तो हम इसमें 2.25 इंच का निशान एक इधर लगाएंगे और 2.25 इंच का एक ये इधर लगाएंगे तो ये हुआ 4.5। अब थोड़ा थोड़ा हमारा इस तरह यहाँ सिलाई में आएगा, थोड़ा इधर आएगा थोड़ा इधर आएगा तो हमारा गला पूरा 5 इंच का हो जाएगा। इसी तरह से हमने जो ये गला लिया है ये हमने 8 इंच का दिया हुआ है और ये बनने के बाद हमारा 7.5 इंच का होगा, क्योंकि जब हमारे तीरों पर सिलाई लगेगी दोनों आगे पीछे के पीस जोड़ेंगे तो 0.5 इंच हमारा कम हो जाता है। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे दोनों निशान पर इस तरीके से, और जो सेंटर का निशान है वो हमें सेंटर के निशान के साथ मिलाना है। आप चाहें तो सीधे भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं या आप इस पर पिन सेफ्टी पिन वगैरह इस पर लगा सकते हैं। तो देख मेरे पास मशीन की सुई है, एक ख़राब है और एक हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल निशान के साथ, बिल्कुल इसको मिला होना चाहिए, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे पूरा इस निशान से इसको बिल्कुल जोड़कर रखना है और यहाँ लगाएंगे और एक हम इधर। अब देखिए सभी जगह हमने सुई लगा लिया, अल्पिन या कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ लाकर हम इसको रोकेंगे और इसी शेप में इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, सुई अंदर है हमारी कपड़े के और अब इसको हम बिल्कुल इसी शेप में हमें इसको कपड़े को घुमाते हुए सुई को अंदर रखें और कपड़ा घुमाते जाएं। देखिए सुई हमारी अंदर है, यदि आप सुई को बाहर रखकर घुमाएंगे तो अच्छी सफाई नहीं आएगी। सुई को कपड़े के अंदर रखें उसके बाद इसको कपड़े को घुमाते जाएं। अब हमें ये कोना बनाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी शेप में हमें चलना है।
पूरा निशान पर रखते हुए। ये देखिए, अब जैसे पहले हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख कर इसकी कटिंग की थी, ऐसे ही करनी है इस तरीके से। अब सभी जो सुई हमने लगाई है इनको निकाल देंगे। अब छोटे छोटे कट देखिए इस तरीके से, और इन जगह पे हमें ज़रूर लगाने हैं। यदि हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये हमारा सीधा होने में बहुत परेशानी होगी। और अब इस तरीके से करके अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए जो ये हमारे कोने हैं इनको हम अच्छी तरह किसी चीज़ के पेचकस के साथ, तो देखिए ये हमारे कोनों को हम इस तरह से आराम के से बिल्कुल आराम से करने हमें इनको इस तरह निकालने हैं। इस साइड भी, ये तो हमारा गोल था तो इसको हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, अब देखिए इसको हम इस तरह उल्टी साइड हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल जो हमारी सिलाई थी वो हमारे किनारे पर आनी चाहिए। और कोने पूरे अच्छी तरह निकालते हुए, ये देखिए बिल्कुल झोल ना हो इस तरीके से। यहाँ पर इस तरह से केयर कर दीजिए आप तो कोई झोल नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह से करें। उंगली के साथ इस तरह से जो हमारे कोने हैं उन पर करें, और बिल्कुल सीधे आपके जो कोने हैं, डिजाइन हैं, ये कट हैं, ये आपके बिल्कुल सीधे बन जाएंगे। ये देखिए, अब हमें एक सिलाई हमें इसके चारों तरफ लगानी है किनारे किनारे पर, ताकि हमारे जो कोने निकले हुए हैं ये अंदर ना चले जाएं वापस। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। सुई को जब भी कपड़ा आप घुमाएं तो सुई आप कपड़े के अंदर ही रखें। और देखिए कितनी सफाई के साथ हमने कटवर्क गला बनाया है। और इसमें आप और भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन गला छोटा हो जाता है। यदि आप इसको डिजाइन में करना चाहते हैं, डोरी वगैरह का डिजाइन लगाना चाहते हैं, लुपीस में लगाना चाहते हैं, आप थोड़ा बड़ा लीजिए, चौड़ाई में भी थोड़ा बड़ा कीजिए। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये। पहले बहुत चलते थे ये गले, और अब भी कुछ लोग यही गले पसंद करते हैं कटवर्क के। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।